हे गाइस वेलकम टू न्यूज़ इक। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। तो गाइस ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो T20 ब्लास्ट लीग से है। आयरलैंड के सलामी बल्लेबाज पॉल स्टिलिंग ने T20 ब्लास्ट में 51 गेंदों पर 119 रन की पारी खेलकर सनसनी मचा दी है। अपनी इस पारी में उन्होंने एक ओवर में 34 रन बनाए। 119 रनों में से 96 रन सिर्फ चौके और छक्कों की वजह से ही आए हैं। स्टिलिंग ने अपनी इस पारी में 9 चौके और 10 छक्के लगाए, यानी उन्होंने 19 गेंदों पर ही 96 रन बटोर लिए। स्टर्लिंग ने 46 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उनकी शानदार पारी की बदौलत टीम ने 16 ओवर में 3 विकेट खोकर 207 रन बना दिए। इसके जवाब में विरोधी टीम 14 ओवर में सिर्फ 81 रन पर सिमट गई। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंच ओपन 2022 की तरफ से। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच का सामना अब अंतिम 8 में राफेल नडाल से होगा। 13 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन नडाल ने चौथे दौर में फेलिक्स ऑगर एलिसीमे को हराया था। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच रोला गेरा में लगातार 13 साल तक क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, जिसमें 2016 और पिछले साल उन्होंने ट्रॉफी जीती थी। वह ट्रॉफियों के मामले में सिर्फ राफेल नडाल से पीछे हैं, जिनके नाम 21 ट्रॉफियां हैं। राफेल नडाल 13 बार यह टूर्नामेंट जीत चुके हैं। नडाल के नाम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे अधिक पुरुष सिंगल्स खिताब जीतने का भी रिकॉर्ड है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।